नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर मनीषा दुबे मेरे यूट्यूब चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। तो चलिए आज हम फिर से बात करेंगे आर्थराइटिस के बारे में, जिसे कि आम भाषा में हम जॉइंट पेन या जोड़ों का दर्द कहते हैं। ये क्यों होता है, इसके क्या क्या कॉजेज हैं, इसके क्या क्या साइन एंड सिम्टम हमको देखने को मिलते हैं, साथ ही साथ होम्योपैथी मेडिसिन के बारे में मैंने एक सेपरेट वीडियो बनाया है दोस्तों। आप चाहे तो उस वीडियो में जा करके देख सकते हैं। मैंने बहुत ही अच्छा कॉम्बिनेशन के बारे में बताया है दोस्तों, जिसमें कि डाइल्यूशन कॉम्बिनेशन एंड मदर टिंचर कॉम्बिनेशन के बारे में है। तो उस वीडियो में मैंने सिर्फ डाइल्यूशन कॉम्बिनेशन के बारे में बताया है दोस्तों। आज की वीडियो में हम बात करेंगे मदर टिंचर कॉम्बिनेशन के बारे में, और ये दोनों कॉम्बिनेशन लेने से आपको बहुत ही अच्छा रिजल्ट देखने को मिलेगा दोस्तों। चाहे आपको आर्थराइटिस किसी भी तरह का हो, चाहे वो ऑस्टियो आर्थराइटिस हो, रोमेटॉइड आर्थराइटिस हो, या गाउट की प्रॉब्लम हो, किसी भी प्रकार के जोड़ों का दर्द हो, तो ये दोनों कॉम्बिनेशन बहुत ही अच्छा रिजल्ट देते हैं। तो मेरे साथ वीडियो के एंड तक बने रहिए। चलिए आज का वीडियो हम स्टार्ट करते हैं और जानते हैं मदर टिंचर कॉम्बिनेशन के बारे में। तो चलिए आज हम शॉर्ट में जानते हैं ज्वाइंट पेन के बारे में। ज्वाइंट पेन तब होता है दोस्तों यदि हमारे दो ज्वाइंट्स के बीच में रेडनेस, स्वेलिंग, स्टिफनेस या चलने फिरने में तकलीफ हो, तो हम उसे ज्वाइंट पेन या आर्थराइटिस कहेंगे दोस्तों। अब चलिए हम जानते हैं, जैसे कि ऑस्टियो आर्थराइटिस है। ऑस्टियो आर्थराइटिस को दोस्तों हम क्रॉनिक प्रोग्रेसिव डिजनरेटिव डिसीज कहते हैं दोस्तों। मीन्स क्रॉनिक यानी बहुत ही लंबे समय से, प्रोग्रेसिव यानी धीरे धीरे करते हुए, और डिजनरेशन मतलब हमारी हड्डियों का क्षरण होना या डिजनरेशन होना या घिस जाना, ये इस तरह की डिसीज होती है दोस्तों। ये 50 to 60 इयर्स ओल्ड एज ग्रुप में ज़्यादा देखने को मिलता है दोस्तों। हमारे दो हड्डियों के बीच में साइनोवियल फ्लूड होता है दोस्तों, जो दो हड्डियों के बीच में शॉक एब्जॉर्वर का काम करती है दोस्तों, जिससे कि हमारे बोन्स आपस में टकराते नहीं हैं। लेकिन यदि इस ऑस्टियोआर्थराइटिस की वजह से या किसी कारण की वजह से साइनोवियल फ्लूड कम हो जाता है, तो ये दोनों बोन्स आपस में टकराने और घिसने लगती हैं दोस्तों, जिससे कि पेशेंट को बहुत सीवियर पेन होने लगता है। साथ ही साथ ही उन लोगों में ज़्यादा देखने को मिलता है दोस्तों जो एथलेटिक्स होते हैं या गेम्स ज़्यादा खेलते हैं, जो अपने जॉइंट्स में ज़्यादा स्ट्रेन या एक्सर्शन देते हैं, तो ये प्रॉब्लम उनको ज़्यादा देखने को मिलेगी दोस्तों। ऑस्टियोआर्थराइटिस में दोस्तों हमारे बॉडी में जॉइंट्स एक प्रोटेक्टिव टिश्यू के जरिए आपस में जुड़े रहते हैं, और जैसे जैसे ओल्ड एज होती है या फिर हम अपने बॉडी या जॉइंट्स में ज़्यादा एक्सर्शन देते हैं, तो ये जो प्रोटेक्टिव टिश्यू रहता है दोस्तों, जो दोनों जॉइंट्स को जोड़ते हैं, इसमें दरार पड़ जाती है या टूट जाती है। साथ ही साथ हमारे बॉडी के जो साइनोवियल फ्लूड रहते हैं वो भी कम हो जाता है, तो ये दोनों जॉइंट्स आपस में टकराने लगते हैं दोस्तों, और हड्डियां आपस में रगड़ खाने लगती है, जिसके कारण पेशेंट को बहुत सीवियर पेन होता है, उसको चलने फिरने में तकलीफ होती है, स्टिफनेस आ जाती है, कई बार स्वेलिंग भी देखने को मिलती है। तो ये सारे सिम्टम हमको ऑस्टियोआर्थराइटिस में देखने को मिलते हैं दोस्तों। चलिए अब हम जानते हैं रूमेटॉइड आर्थराइटिस के बारे में। हमारा ज्वाइंट टिश्यूज मसल्स कार्टिलेज से मिलकर के बना होता है, और यदि इसमें रेडनेस, स्वेलिंग, स्टिफनेस ये सब देखने को मिले, तो हमको रूमेटॉइड आर्थराइटिस की प्रॉब्लम हो जाती है दोस्तों। साथ ही साथ ये बहुत ही पेनफुल सिचुएशन रहती है, पेशेंट को चलने फिरने में बहुत तकलीफ होती है, और ये एक ऑटो इम्यून डिसीज है दोस्तों। मीन्स हमारे बॉडी के खुद के इम्यून सिस्टम ही हमारे ज्वाइंट्स को डिस्ट्रक्शन करने लगती है, जिससे कि हमको ये रूमेटॉइड आर्थराइटिस की प्रॉब्लम हो जाती है। ये ऑटो इम्यून सिस्टम के डिस्ट्रक्शन की वजह से होता है और हमारे जॉइंट्स में जाकर के डिपॉजिट हो जाता है, और धीरे धीरे करके ब्लड फ्लो के थ्रू हमारे बॉडी के सारे जॉइंट में अफेक्ट करने लगता है, जिसकी वजह से हमको रूमेटॉइड आर्थराइटिस की प्रॉब्लम देखने को मिलती है। नेक्स्ट है दोस्तों गाउट, जिसे कि हम मेटाबॉलिक आर्थराइटिस भी कहते हैं। ये मेटाबॉलिक डिस्टर्बेंसेस की वजह से ज़्यादा देखने को मिलती है। हमारे बॉडी में ब्लड में यूरिक एसिड का लेवल बढ़ जाता है, और यही यूरिक एसिड हमारे जॉइंट्स में जाकर के डिपॉजिट होने लगता है, जिसकी वजह से हमको रेडनेस, स्वेलिंग, पेन, स्टिफनेस ये सब ज़्यादा देखने को मिलती है दोस्तों। और ये बहुत ही पेनफुल सिचुएशन रहती है, पेशेंट अपने बॉडी के जॉइंट्स को मूवमेंट करना भी बहुत ही उसके लिए डिफ़िकल्ट रहता है। नेक्स्ट है दोस्तों इन्फेक्शन। इन्फेक्शन की वजह से भी हमको जॉइंट पेन की प्रॉब्लम देखने को मिलती है, चाहे वो इन्फेक्शन कैसा भी हो, चाहे वो वायरल इन्फेक्शन हो, बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो, या सेप्टिक इन्फेक्शन हो, उसकी वजह से भी हमको जॉइंट पेन की प्रॉब्लम देखने को मिलती है दोस्तों। तो चलिए उस मदर टिंचर के कॉम्बिनेशन के बारे में बात करते हैं। तो इसे 5 मदर टिंचर लेकर के इसका एक मिक्सचर तैयार करना है। तो सबसे पहला मदर टिंचर है रस्ट्रॉक्स। ये एक पेन किलर की तरह काम करता है, साथ ही साथ बहुत इफेक्टिव है अगर आपको जॉइंट पेन किसी भी तरह का हो, ऑस्टियोआर्थराइटिस हो, रूमेटॉइड आर्थराइटिस हो, या गाउट हो।
ये मेडिसिन बहुत ही इफेक्टिव है दोस्तों, और ये उस कंडीशन में बहुत अच्छा वर्क करती है यदि बरसात का मौसम हो या ठंडी का मौसम हो और बहुत ठंडी ठंडी हवाएं चल रही हो। साथ ही साथ पेशेंट यदि बैठा है बहुत देर तक और बैठ के उठ के खड़े होने में उसको बहुत तकलीफ होती हो, बहुत दर्द होता हो, पेशेंट को खड़ा होना बहुत मुश्किल हो, और जैसे जैसे पेशेंट धीरे धीरे चलने लगता है तो उसको दर्द में आराम मिलने लगता है, तो उस कंडीशन में ये मेडिसिन बहुत अच्छा वर्क करती है। दूसरा मदर टिंचर है दोस्तों ग्लूथेरिया मदर टिंचर। ये मेडिसिन भी बहुत इफेक्टिव है यदि आपको ज्वाइंट्स में इंफ्लामेशन रेडनेस देखने को मिले। साथ ही साथ पेशेंट का चलना फिरना बहुत दुष्वर हो जाए, यानी पेशेंट चलना फिरना भी नहीं चाहे इतना उसको तेज़ दर्द होता हो, पेन होता हो चलने फिरने में, तो उस कंडीशन में ये मेडिसिन बहुत अच्छा वर्क करती है। ये पेशेंट का दर्द और स्वेलिंग, सूजन, रेडनेस ये सबको कम करती है दोस्तों। नेक्स्ट मदर टिंचर है दोस्तों अर्टिका यूरिन्स। ये मदर टिंचर बहुत ही इफेक्टिव है यदि आपको यूरिक एसिड की प्रॉब्लम हो और इसमें स्मॉल ज्वाइंट्स में ज़्यादा रेडनेस, स्वेलिंग, पेन ये सब ज़्यादा देखने को मिले, तो ये मेडिसिन बहुत ही अच्छा वर्क करती है दोस्तों। नेक्स्ट मदर टिंचर है कोलोसिंथ मदर टिंचर। ये उस कंडीशन बहुत अच्छा वर्क करती है जब पेशेंट को हर छोटे से छोटे स्मॉल ज्वाइंट्स में बहुत पेन हो रहा हो, ऐसा लग रहा हो कि कोई चाकू चला रहा हो, कटिंग पेन होने लगता है दोस्तों, उस कंडीशन में ये मेडिसिन बहुत ही अच्छा वर्क करती है। साथ ही साथ पेशेंट को अपने स्मॉल ज्वाइंट्स में भी मूवमेंट करने में बहुत पेन होता हो तो ये मेडिसिन बहुत ही अच्छा वर्क करती है दोस्तों। नेक्स्ट मदर टिंचर है ग्वायकिकम मदर टिंचर। ये मदर टिंचर भी बहुत इफेक्टिव है दोस्तों यदि आपके घुटने में बहुत ज़्यादा दर्द होता हो जिसमें कि आपको रूमेटॉइड आर्थराइटिस या गाउट जिसे कि हम गठिया वात वात कहते हैं उसकी प्रॉब्लम ज़्यादा देखने को मिलती है, तो उस कंडीशन में ये मदर टिंचर बहुत इफेक्टिव है दोस्तों। पेशेंट को घुटने में बहुत सीवियर पेन होता है और उसको चलने फिरने में बहुत तकलीफ होती है, तो ये मेडिसिन बहुत ही अच्छा रिजल्ट देती है दोस्तों। चलिए अब हम जानते हैं इस मदर टिंचर को लेना कैसे है। तो आपको पांचों मदर टिंचर को लेकर के एक मिक्सचर तैयार करना है दोस्तों। आपको एक ऐसा खाली 100 ml का खाली बॉटल लेना है और पांचों मदर टिंचर को इक्वल क्वांटिटी में मीन्स 20 20 ml लेकर के इसमें एक मिक्सचर तैयार करना है दोस्तों। और इसको आपको लेना कैसे है, इसको आप अच्छे से शेक कर लेंगे पाँचों मदर टिंचर का कॉम्बिनेशन बना करके, और आधे कप गुनगुने पानी में 20 से 25 बूंद दिन में 3 बार सुबह, दोपहर और रात में लेना है दोस्तों। और ये आपको 4 से 6 महीने तक लेना है, फिर आप देखेंगे कि बहुत ही अच्छा रिजल्ट आपको देखने को मिलेगा दोस्तों। तो ये था मदर टिंचर कॉम्बिनेशन, और पिछले वीडियो में मैंने जो डाइल्यूशन कॉम्बिनेशन बताया है उसके साथ इस कॉम्बिनेशन को लेंगे तो बहुत ही अच्छा रिजल्ट आपको देखने को मिलेगा। साथ ही साथ आप बायोकेमिक नंबर 19 कॉम्बिनेशन को भी लीजिए। इस टैबलेट को आपको दोस्तों 4 4 गोली दिन में 3 बार सुबह, दोपहर और रात में लेंगे तो बहुत ही अच्छा रिजल्ट देखने को मिलेगा। इस डाइल्यूशन कॉम्बिनेशन एंड मदर टिंचर कॉम्बिनेशन के साथ साथ आप बायोकेमिक 19 भी लीजिए, और साथ ही साथ दोस्तों आप रिमसाज ऑयल, ये मसाज ऑयल बहुत ही इफेक्टिव है। यदि इस ऑयल का आप अपने जॉइंट्स पे अप्लाई करेंगे, धीरे धीरे हल्का हल्का मसाज करेंगे, तो ये मसाज ऑयल बहुत ही इफेक्टिव है और मैं अपने क्लिनिक में अपने पेशेंट्स लोग को देती हूँ और ये दर्द में काफ़ी हद तक आराम दिलाता है दोस्तों। तो ये था दोस्तों होम्योपैथी मदर टिंचर्स और होम्योपैथी मेडिसिन जो जॉइंट्स पेन के लिए था, और मैं होप करती हूँ कि मेरा आज का वीडियो आप लोग को सही लगा हो, मेरा वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो, मेरे सुझाव सही लगे हों। तो मैं होप करती हूँ कि मेरी ये मेडिसिन, ये ट्रीटमेंट आपके ज्वाइंट पेन में रिलीफ दिला सके। साथ ही साथ मैं आगे आपके लिए ऐसे ही नॉलेजेबल होम्योपैथी ट्रीटमेंट डिसीज़ वाइज बनाते रहूँ। तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें दोस्तों, जिससे आने वाले नेक्स्ट वीडियो के बारे में आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए, टेक केयर, थैंक यू।